इधर उत्तर प्रदेश के हरदोई में घर के बाहर सो रहे लोगों पर रेत से भरा एक ट्रक पलट गया और इस दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 8 लोगों की जान चली गई। इसके बाद तो वहां चीख पुकार मच गई और उस परिवार के लोग रोते बिलखते नजर आए। उस परिवार और आसपास के लोग कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि अचानक यह हादसा कैसे हो गया। इस दौरान राहत बचाव की टीम पुलिस कर्मियों के साथ रेत के नीचे दबे लोगों को बाहर निकालती दिखाई दी। राहत कर्मी एक एक शव को स्ट्रेचर की मदद से एम्बुलेंस तक ले जाते दिखे। वहां आनन फानन में सड़क के किनारे से रेत के ढेर को हटाने का काम किया गया और इसके लिए खुदाई करने वाली 2 मशीनें रेत हटाती नजर आई। लेकिन पुलिस वालों के साथ राहत टीम को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि रेत से भरे उस ट्रक ने सड़क के किनारे बनी एक झोपड़ी का नामो निशान ही मिटा दिया। बालू भरा हुआ ट्रक था और पलट गया, उसमें लाश निकाली गई। बताया गया कि उन 8 लोगों के अलावा और भी कुछ लोग उस झोपड़ी के बाहर सो रहे थे, तभी वो भारी भरकम ट्रक उनके ऊपर पलट गया और इसकी वजह से वो लोग काफी देर तक रेत के नीचे दबे रहे। और माना जा रहा है रेत के नीचे दबने से उन लोगों का दम घुट गया और उन 8 लोगों की मौत हो गई जबकि एक बच्ची बुरी तरह घायल हो गई। और ऐसे में पुलिस कर्मियों के लिए हालात पर काबू पाना मुश्किल हो गया क्योंकि कई घंटों तक राहत का काम चलने के बाद भी वहां रेत का ढेर दिखाई दिया। इतना ही नहीं, उस झोपड़ी के अलावा कई दूसरी झोपड़ियां भी टूट गई। वो ट्रक कानपुर से रेत लेकर हरदोई आ रहा था लेकिन मल्लावा इलाके में उसका संतुलन बिगड़ा और वो पलट गया। बताया गया कि वो ट्रक ओवरलोड था, यानी तय मात्रा से कई गुना ज्यादा उसमें रेत भरी गई थी। ट्रक का जो ड्राइवर है वो भी पकड़ा गया है और आगे की पूछताछ की जाएगी कि ये दुर्घटना कैसी हुई। और वहाँ एक झटके में हुई उन 8 लोगों की मौत से मातम पसर गया। हरदोई में दिल को झकझोर रख देने वाले इस हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया और अधिकारियों को घायलों के इलाज के लिए निर्देश दिए। वहीं पुलिस ने उस ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया।